जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री। दोस्तों, आज मैं मटर खाने वाला हूँ। मटर का फायदा भूख बढ़ाने, मटर भूख बढ़ाता है। प्रतिदिन कम से कम मटर रोज का कितना खाने का, इतना सुबह से। अगर आपको भूख नहीं लगती है, सुबह से खाली पेट मटर खा लीजिए, 12 बजे तक आपको इतना जम से भूख लगेगा ना, कितना चाय खा जाओगे मटर 12 बजे। ये देखो, ये खा लेने का, इतना खाने का। सुबह से खाली पेट और चबा चबा कर, छील के भी खा सकते हैं। इसमें क्या है, ये छील के भी खाओगे तो फायदा है, लेकिन बहुत जम से भूख बढ़ाएगा। ये इतना जम से बढ़ाएगा ना, ये दाने छील के हैं खा लेने का, सुबह से खाली पेट 12 बजे तक तुमको भूख, इतना जम से भूख लगेगा कि आप क्या खा लें ये बोलेंगे। खाने का भूख बढ़ाने का सबसे अच्छा दवा, अरे ये सब्जी है, कच्चा खाओगे उतना ही फायदा। एक बात और है, ये हल्दी है, हल्दी हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है। ये देखो, ये पीली पीली, ये हल्दी है, हल्दी। हल्दी को पानी में उबालो, अच्छा उबालो, बहुत उबालो, उबाल के छील के खा लो। जो सीने में, जो इधर सीने में तक जलन होती है ना, दर्द होता है ना सीने में, इसको खा लो आप सुबह से खाली पेट, दर्द ठीक। कच्ची हल्दी उबाल के पानी में, उबल जाए पूरा मस्त, उसके बाद खाओ सुबह से, तो सीने का जो तकलीफ होता ना जलन, मिट जाएगा। हाँ, ऐसा रोज करो, एक दो दिन और ठीक हो जाएगा। सर्दी में ज़्यादा होता है, सर्दी के टाइम पे ज़्यादा कहीं सीना दुखेगा, सर्दी की वजह से होता है, वो भी सर्दी की वजह से। हल्दी खा लीजिए उबाल के पानी में, कच्ची भी खा सकते, लेकिन वो कच्चा ज़्यादा नहीं खाएगा, पानी में उबाल लीजिए तब मस्त। गर्म भी रहती है ना जमीन में, यार फल है वो तो, है तो बटरा खाइए, भूख बढ़ाइए एकदम मस्त। बटरा, हल्दी, हल्दी सीने की तकलीफ दूर, बटरा भूख बढ़ा। अभी बहुत आ रहा है बटर, बटरा बहुत आ रहा है अभी, अच्छा खाओ दिन, अच्छा खाओ, सब्जी बना के खाओ। ये चीज़ें फायदे ही वाली हैं, ये मौसमी चीज़ें, बराबर खाना चाहिए, प्रतिदिन खाओ, ये इससे तो भूख ही बढ़ेगा ना। हाँ, है कि नहीं। इसके लिए
हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, इसके साथ परहेज जरूर करूँगा। परहेज क्या, ये तो छोड़ ही दो यार, ये उल्टा सीधी चीज़ें, नशा पत्ती करने का क्या। हाँ, नशा नहीं, ना दारू शराब बीड़ी सिगरेट, सब छोड़ दो, वैसे ही ठीक हो जाओगे, कुछ तकलीफ नहीं होगा। ये बीमारियाँ तभी होती हैं जब आप उल्टा सीधा काम करते हैं, नहीं तो कभी नहीं होगी। अनजाने में होती है, जानबूझ के भी करते हो, बीड़ी तो रोज ही पीते हो, तो सीना जलाएगा ही ना। इसलिए भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, त्याग दो, कोई फायदा नहीं है। शरीर स्वस्थ, आप स्वस्थ, बच्चे खुश, परिवार खुश, और खर्चा भी बच गया। चलो, जय श्री राम, जय श्री राम।